नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रत्याशी नगर परिषद वार्ड नंबर 25 से पलवल से, जो कि चुनाव लड़े और जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया, जिनका नाम है रवि कपूर। आइए हम उनसे जानते हैं कि दोबारा अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, और पिछली बार अगर कुछ वोटों के कारण वो रह गए तो क्या वजह रही। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते सर। तो सर, आप दोबारा तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे कि वार्ड 25 से लोगों का कहना है कि रवि कपूर अब की बार आना चाहिए, अच्छा लड़का, अच्छा काम करता है, लेकिन क्या वजह रही पिछले चुनाव में और अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले आप ये बताएं। ऐसा है सर, हमारा मुद्दा शुरू से ही हमारी वार्ड को लेकर जो है सफाई व्यवस्था को लेकर रहा है, पानी की समस्या को लेकर रहा है, सीवरेज की समस्या को लेकर रहा है, उसी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे और जनता ने हमें भरपूर प्यार और समर्थन दिया। बेशक हम हार गए, हम उस हार को लेकर के नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम उनके प्यार को लेकर के चल रहे हैं, और लेकिन वो समस्या जस की तस बनी हुई है। तो यही सोच करके हम चाह रहे हैं कि एक बार अगर हमें पलवल से अपने वार्ड की जनता का दोबारा प्यार और समर्थन साथ मिलता है तो हम दोबारा इस मुद्दों को लेकर के आगे आएंगे और लोगों की समस्याओं का जरूर पूरा करेंगे। वर्तमान पार्षद है, उनका कहना है कि मैंने हर गली को पक्का करा दिया, हर लाइट, हर खंभे पे लाइट लगवा दी, सीवरेज से छुटकारा लोगों को दिलवा दिया है, कहां तक इस बात में सच्चाई है? ऐसा होता है सर, कागजी बातें करने से तो कुछ हल नहीं होता। हल होता है लोगों के बीच में जाने से, उनके साथ रहने से। आप उनके बीच में जाइए, उनको देखिए सामने, तब आपको पता चलेगा कि कितनी सीवरेज की व्यवस्था ठीक हुई है, कितनी लाइटें चालू हुई हैं, कितना कचरा उठा है, क्या हुआ है, तो सब सामने जाने से पता चलेगा। लगभग 4 वर्ष चुनाव हो गए जी, दोबारा चुनाव सर पर हैं जी, कितने अंक आप मान कर चलते हैं, कितने अंक देना चाहेंगे वर्तमान पार्षद को आप? देखिए, पार्षद से कोई हमारी व्यक्तिगत कोई ऐसी लड़ाई तो है नहीं, हमारी लड़ाई है जनता के मुद्दों से। उनका समय पर काम होना चाहिए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए पूरी, ये हमारे मुद्दे हैं। अगर वो इनको लेकर के अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज बिल्कुल ठीक चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों में बहुत इस चीज के लिए अभी बहुत कमियां हैं, वो ठीक होनी बाकी है। रवि जी, अभी तक आपको कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार माना जाता है, चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, किसी अन्य पार्टी से जाकर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए सर, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी कभी कोई बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है वो है जनता। जनता का प्यार और समर्थन मिलता है, अगर जनता कहेगी आपको इस पार्टी से लड़ना है तो हम उस पार्टी से लड़ेंगे। जनता अगर अपना साथ देकर कहती है कि आपको आजाद लड़ना है तो हम आजाद लड़ेंगे। हमारा जो डिपेंड करता है आगे का हमारा इलेक्शन, वो पब्लिक के ऊपर करता है, अगर वो हमारा साथ देती है तो हम उन्हीं के कहने पर चलेंगे। रवि जी, जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे जनता के बीच आप कुछ न कुछ वादे भी जरूर करेंगे जी, और जीत करके अगर आए तो सबसे पहला कार्य क्या होगा जो आप कराने की इच्छा रखते हैं? देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बताता हूँ, एक घटना हुई थी हमारे एकता नगर में, एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, हालांकि पुलिस ने उसको बहुत ही जल्दी छुड़वा लिया, लेकिन मेरा मानना है कि हर वार्ड में, हर कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे होने बहुत जरूरी है। बच्चे अपने हों या अपनों के हों, सभी बराबर होते हैं, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सीसीटीवी लगे, जिससे उसमें हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित रहें और जो अपने बच्चे भी खेलते कूदते सुरक्षित रहें। तो सबसे पहला काम हमारा सीसीटीवी का होना चाहिए। रवि जी, अंत में आप अपने वार्ड के लोगों को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे वार्ड के लोगों को यही संदेश है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, पहले भी था और अब भी हूँ, और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको आगे किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वैसे आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा ही, नहीं तो आप मेरा नंबर भी लिख लीजिए, 999-212-7252, ये मेरा नंबर है। कभी भी किसी तरह की आपको कोई समस्या होती है, किसी की आपको कोई प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, कहीं कोई शिकायत करनी है, कहीं मेरे चलने की कोई जरूरत है, मेरे होने से अगर कोई काम बनता हो तो मैं आपके लिए हर पल तैयार हूँ, आप मुझे हर पल सेवा का मौका दीजिए, मैं तैयार।